नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा कुकिंग विथ रेनू में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी पपीते की सब्जी। सबसे पहले हम पपीते को चार बड़े पीसेस में काट लेंगे, फिर उसके बीज को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब हम पपीते को छीलकर इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए, मैंने पपीते को काट लिया है। अब आइए देखते हैं हमें और कौन कौन सी सामग्री चाहिए। दो टमाटर, एक इंच अदरक, दो हरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच देसी घी, या तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, एक टेबलस्पून मलाई, दो साबुत लाल मिर्च, हरा धनिया और चुटकी भर हींग। अब हम कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए डालेंगे। आप चाहे तो इसमें वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है, तब तक हम टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। कढ़ाई में घी भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा और चुटकी भर हींग डालेंगे। हींग और जीरा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर, अदरक और मिर्चा का तैयार किया हुआ पेस्ट डालेंगे। एक मिनट इसे लगातार चलाते हुए पका के लेंगे। अब हम इसमें हल्दी, गरम मसाला, नमक डालकर मिक्स करेंगे। इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। मसाला हमारा पक चुका है। अब हम इसमें कटा हुआ पपीता डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें लगभग आधा ग्लास पानी और लाल साबुत मिर्च डालेंगे और इसे ढक देंगे। इसे हम 5 से 7 मिनट पका लेंगे। ये देखिए, लगभग हमारा पक चुका है। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। मलाई डालकर इसे मिक्स करके 5 मिनट और पका लेंगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे हरा धनिया से गार्निश करें और सर्व करें। ये रोटी, पूड़ी, पराठे से बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।